नए वर्ष की शुभकामनाएं। रेखा जी ने कितने सुंदर ढंग से दी संस्कृत की, बहुत अच्छा उच्चारण और बहुत बढ़िया उसका मीनिंग। तो आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आज जो मेरा एक टॉपिक है ये शब्द, शब्द का मतलब है वर्ड्स जो हम बोलते हैं। कभी सोचा है कि हमने सारे दिन में कितने वर्ड्स बोलते हैं, कितने शब्द बोलते हैं? शब्दों का अपना संसार है, शब्दों का अपना महत्व है। तो शब्दों के बारे में मेरी जो ये जैसे पशु पक्षियों का संसार है, पेड़ ऐसे शब्दों का भी है, तो शब्दों के बारे में ये छोटी सी मेरी है, सुनिए। पर शुरू करूं मैं कबीर जी के दोहे से, शब्द शब्द सब कहें, शब्द शब्द सब कहें, शब्द के हाथ ना पाऊं, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे सौ घाव। तो इसी पर आगे थोड़ा सा है, हमारी रोज की भाषा में जो हम बोलते हैं वो क्या है? वाणी। वाणी में शब्द ही तो होते हैं जो हम बोलते हैं। शब्दों का ठीक उच्चारण, ठीक समय, ठीक रूप से, ठीक स्थान और ठीक ढंग से बोलना उचित है, वरना शब्द व्यक्ति को मान मर्यादा से भी खो देते हैं। और युद्ध की स्थिति में अर्थात लड़ाई की स्थिति में यह आदत पैदा हो जाती है। तो हम मेरी आज की कविता का शब्दों का महत्व बताया गया है। शब्द रचे जाते हैं, शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द तोले जाते हैं, शब्द टटोले जाते हैं, शब्द खंगाले जाते हैं। अंततः शब्द बनते हैं, ये बने हुए हमें बनाने पड़ते हैं, शब्द बनते हैं, शब्द संवरते हैं, वो भी हम ही कर सकते हैं, संवार सकते हैं अपने शब्दों को। शब्द बनते हैं, शब्द संवरते हैं, शब्द सुधरते हैं, शब्द निखरते भी हैं, शब्द हंसाते हैं और शब्द मनाते हैं और शब्द रुलाते भी हैं। कई बार ऐसे होता है कि अच्छा नहीं लगता, हम रोने लगते हैं। शब्द मुस्कुराते हैं, शब्द खिलखिलाते हैं, शब्द गुदगुदाते हैं और शब्द मुखर हो जाते हैं, शब्द प्रखर हो जाते हैं, शब्द मधुर हो जाते हैं। फिर भी शब्द चुभते हैं, शब्द चुभते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द रूठते हैं, शब्द घाव देते हैं, शब्द ताप भी देते हैं, शब्द ही तो लड़ते हैं और शब्द ही झगड़ते हैं, शब्द बिगड़ते हैं, शब्द बिखरते हैं और शब्द ही सिहरते हैं, किंतु शब्द मरते नहीं हैं, जो एक बार निकल जाएंगे। शब्द मरते नहीं, शब्द थकते नहीं, शब्द रुकते नहीं, शब्द चुभते नहीं, इसलिए शब्दों से खेल ना कर, बिन सोचे बोले नहीं, शब्दों को मान ले, जो आप शब्द बोले उसको मान लो पहले अपने को, शब्दों को सम्मान दे, शब्दों का ध्यान दे, शब्दों को पहचान दे, ऊंची लंबी उड़ान दे, शब्दों को आत्मसात करें, उनसे उनकी बात करें, शब्दों का आविष्कार करें और ध्यान से सुने एक बात, गहन सार्थक विचार करें कि ध्यान से समझे फिर उसका उत्तर दें, क्योंकि शब्द अनमोल हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है शब्दों की, क्योंकि शब्द अनमोल हैं, जुबान से निकले बोल हैं, शब्दों में धार होती है और शब्दों की महिमा अपार होती है, शब्दों का विशाल भंडार होता है और सच तो ये है कि शब्दों का ही अपना एक संसार होता है।